हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस इस वीडियो में हम सिर्फ डील करेंगे इसके मीनिंग से डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आने वाली वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं इसके एडवांटेजेस इसके डिसएडवांटेजेस इसके फंक्शनस इसकी नीड इसके इंपॉर्टेंस ये सारा हम करेंगे बट वो सेपरेट वीडियोज़ आएंगी बट अभी हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं क्या बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस रेफर्स टू द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इंटरनेशनल फ़ाइनेंस क्या है ये स्टडी है और ये एक मैनेजमेंट है किसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की जो कहाँ पे हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है किसी भी इंडिविजुअल के बीच में हो सकती है किसी भी बिजनेसिस के बीच में हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट के बीच में हो सकती है पर हाँ कंडीशन इज़ दैट दो कंट्रियों के बीच में होनी चाहिए ठीक है तो अगर दो कंट्रियों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो फाइनेंशियल लेवल पे होनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए तो वो क्या है इस टॉपिक के अंदर आ जाता है ठीक है तो हम क्या है इसमें कोई भी दो इंडिविजुअल होने चाहिए कोई भी बिजनेसमैन मैन होने चाहिए कोई भी गवर्नमेंट होनी चाहिए अगर वो क्या है दो कंट्री कंट्रियों के बीच में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे तो उसे क्या बोलते हैं हम इंटरनेशनल फाइनेंस तो उसकी स्टडी और उसके मैनेजमेंट को ही हमने यहाँ पर पढ़ना है फिर बोला जा रहा है कि इट इट इनकम वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस ये क्या है बहुत से फाइनेंस के टॉपिक को अपने अंडर लेता है जैसे एस फॉरन एक्सचेंज रेट फॉरन एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉसिस बॉर्डर कि कैपिटल कैसे होगी एक कंट्री एक से दूसरी जगह मूवमेंट इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कैसे किया जाएगा फॉरन एक्सचेंज रेट्स कैसे डिसाइड होंगे या कैसे हम उसके साथ डील करेंगे ये सारा का सारा टॉपिक हमें इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर ही पढ़ना होता है ठीक है जी देन इंटरनेशनल फाइनेंस प्ले अ क्रूशियल रोल जो इंटरनेशनल फाइनेंस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है जब ग्लोबलाइजेशन आई थी 1991 में वाई बिकॉज 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आई थी जिसने ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर दिया था तो अब बूस्ट कर दिया था तो इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंस तो हो रहा है ठीक है बिटवीन टू कंट्रीज ठीक है तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम इसको और मीनिंग डिटेल में समझते हैं इसका इंटरनेशनल फाइनेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ फाइनेंस क्या बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस है ये एक ऐसी ब्रांच है फाइनेंस की मतलब ये फाइनेंस का ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि डील करता है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ठीक है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है इंट्रैक्शन हो रही है टू कंट्रीज के बीच में विद इन कंट्री नहीं बिटवीन टू कंट्री ठीक है तो इट इनकम्पासेज एवरीथिंग इसके अंदर सब कुछ आ जाता है जैसे कि करेंसी एक्सचेंज हो गया क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड हो गया ये सब इसके अंदर आ जाता है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल फाइनेंस तो बहुत ही जरूरी हो जाता है हमें अंडरस्टैंड करना कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे फाइनेंस की मूवमेंट होनी चाहिए मैनेजमेंट होनी चाहिए तो और किसको होना चाहिए ये जो जानकारी है किसके पास होनी चाहिए इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट ठीक है क्योंकि वो ऑपरेशन करती हैं डे टू डे ठीक है दो कंट्रियों के बीच में क्या है वो बहुत सारा ट्रांजेक्शन करती है डील करती है तो इस टॉपिक के बारे में क्या होनी चाहिए नॉलेज होनी चाहिए एज़ इट अलाउज़ दैम टू मैनेज क्यों क्योंकि ये टॉपिक अगर अच्छे से हमें पता हो तो ये हमें क्या है अलाउ करता है कि हम क्या है मैनेज कर सके अपने रिस्क को ठीक है और अपॉर्चुनिटीज़ को गैदर कर सके इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में जैसे हमने पढ़ा कि इसके अंदर तीन चार टॉपिक आ रहे थे तो सबसे पहला टॉपिक क्या है फॉरेन एक्सचेंज तो मतलब ये क्या है अगर इन चार टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो इन चारों को ही बोला जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस ठीक है तो इंटरनेशनल फाइनेंस में पहला टॉपिक है हमारा फॉरन एक्सचेंज जिसे हम फॉर भी बोलते हैं ठीक है फ़ॉन एक्सचेंज मार्केट फॉरन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है वेयर करेंसीज फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़ आर ब्रॉट एंड सोल्ड एक ऐसी मार्केट जहाँ पर बहुत सारी कंट्रियों की जो करेंसी होती है या तो वो खरीदी जाती है या तो वो बेची जाती है एंड एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होते हैं रिलेटिव वैल्यूज पे मतलब और क्या है वहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या होते हैं डिटरमाइन होते हैं ऐसी मार्केट को क्या बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ठीक है जी तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे सपोज यू आर प्लानिंग प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप ठीक है तो अगर हम क्या है चाह रहे हैं कि ट्रिप जाए यूरोप में फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स एंड नीड टू एक्सचेंज यूर यू एस डॉलर तब तुम यू एस uh, में रहते हो तो वहाँ पर तुम्हारे पास क्या होंगे यू डॉलर होंगे बट अगर यूरोप में जाने तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको यूरो में क्या है कन्वर्ट कराना पड़ेगा वहाँ की करेंसी में ठीक है तो तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है आपको क्या है कन्वर्ट कराना पड़ेगा वो किस रेट पे कन्वर्ट होती है तो वो रेट वो किस रेट पे कन्वर्ट होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट पे ठीक है तो इसीलिए आपको ये कन्वर्ट करवाने कहाँ कहाँ जाना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ठीक है तो इसीलिए क्या है ये टॉपिक की न, आ, हमें नॉलेज होनी चाहिए तभी तो क्या कर सकते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंस या घूम सकते हैं जहाँ भी जाना है कर सकते हैं नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ट्रेड ये भी पढ़ा था हमने कि इंटरनेशनल ट्रेड भी आता है उसी के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर क्योंकि कहीं ना कहीं जब तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो फाइनेंस का लेन देन कर रहे हो तो इंटरनेशनल फाइनेंस तो आ ही गया ना ऑटोमेटिकली तो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन द कंट्रीज ठीक है एंड इट अफन इंक्लूड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग अब बाहर की कंट्रीज हम क्या करते हैं या तो इंपोर्ट करते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं तो ये वाला टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आता है जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि अ जैनीज़ कार मैन्यूफेक्चरिंग टोयटा सेल इट्स व्हीकल इन यूनाइटेड स्टेट ठीक है जापान की कंट्री है वो यूएस में क्या अपनी सेल करना चाहती है व्हीकल्स को टू डू दिस अगर वो ये करना चाहती है दे एक्सपोर्ट तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कार को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है मतलब भेजना पड़ेगा जापान से यूएस में तो अब दिस फाइनेंशियल एस्पेक्ट अब जो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया ना इनके बीच में तो क्या प्राइसिंग रहेगी क्या पेमेंट होनी चाहिए ठीक है और क्या कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए ये सारा का सारा भी क्या इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर ही आता है इनसे डील करना नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टिंग इन एसेट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो एसेट्स में जैसे कि स्टॉक हो गया बॉन्ड हो गया रियल एस्टेट हो गया पर कहाँ पर कर रहे हो फॉरन कंट्री में कर रहे हो ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक अमेरिकन इन्वेस्टर्स था उसने परचेज किए शेयर जर्मन से ठीक है जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो कि लिस्टेड थी वहाँ के फ्रेंकर्स स्टॉक एक्सचेंज में तो द इन्वेस्टर्स नाउ ओन अ पार्ट ऑफ जर्मन कंपनी तो जर्मन कंपनी का कुछ पार्ट क्या है कुछ शेयर क्या है अब इसके पास है अमेरिकन के पास ठीक है एंड इट एंड इज़ एक्सपोज टू इट्स परफॉर्मेंस एंड एनी चेंज इन यूरो डॉलर एक्सचेंज रेट तो अब क्या है कि कहीं ना कहीं उसको क्या है ये नॉलेज होनी चाहिए कि यूरो डॉलर रेट क्या चल रहा है कि अगर उसमें कोई चेंज आ जाएगा तो क्या है? इसके वैल्यू इसके शेयर की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा तो उसके इसके लिए भी इसको क्या इंटरनेशनल फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए फिर हमारा फोर्थ एलिमेंट क्या था कैपिटल फ्लो अब कैपिटल फ्लो का मतलब क्या होता है मूवमेंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट अक्रॉस बॉर्डर की मतलब क्या है मूवमेंट हो रही है हमारे मनी की या इन्वेस्टमेंट की अक्रॉस द बॉर्डर मतलब बिटवीन कंट्रीज विच कैन इंक्लूड जिसके अंदर फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है और फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है ये दोनों टॉपिक हमने डिटेल वीडियो में किए हुए हैं ठीक है जी जैसे एग्जाम्पल है एक चाइनीज़ टैक कंपनी है वो डिसाइड करती है कि वो सेटअप करेगी अपनी ही सब्सिडरी ठीक है इन इंडिया इंडिया में बाय बिल्डिंग अ मैनुफेक्चरिंग फैसिलिटी दिस इज अ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उसने क्या है सीधा अपनी सब्सिडरी जाके खोल दी ना वहाँ पे तो ये एफ हो गई ठीक है बिकॉज इट इन्वॉलॉल्व क्योंकि इसमें क्या है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल उसकी क्या है वहाँ लगने वाली है चाइना से इंडिया में ठीक है कंस्ट्रक्शन करना उस बिल्डिंग का ऑपरेशन करना वहाँ फैसिलिटी देना तो ये क्या एफ में होता है तो इसीलिए उनको भी नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंस की तो ये भी इंटरनेशनल फाइनेंस का टॉपिक हो गया तो ये हमने चार एलिमेंट पढ़े जिनको प्लस करके ही हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस बनता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके अगर तुम्हें इन ये इनमें से कोई भी चीज़ करनी है ठीक है तो हमें इंटरनेशनल फाइनेंस की क्या नॉलेज होनी बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज इससे हम अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रास्प कर सकते हैं एंड रिस्क को क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं तो बिजनेस हो गया इंडिविजुअल हो गया गवर्नमेंट हो गया कोई भी है इस आ, इसके बारे में मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंस है इसके बारे में इनको क्या नॉलेज होनी चाहिए अगर ये इंटरनेशनल लेवल पर क्या किसी दूसरी कंट्री से डील करते हैं तो हम इसका कंक्लूजन देख सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल इज जो हमने ये ऊपर हर पॉइंट के साथ एक एक्जाम्पल किया था ये हमें क्या बताता है कि हाउ इंटरनेशनल फाइनेंस कि कैसे एक इंटरनेशनल फाइनेंस का कंसेप्ट क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एवरी डे लाइफ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं ठीक है थीके? उनको हेल्प करता है डिसीजन लेने में वेदर यू आर प्लानिंग टू ट्रिप चाहे आपको ट्रिप ही क्यों ना जाना हो चाहे आपको फॉरन एसेट्स ही में इन्वेस्ट क्यों ना करना हो या फिर अपना बिजनेस ही क्यों ना कंडक्ट करना हो क्रॉसेज द बॉर्डर ठीक है border, तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए इंटरनेशनल फाइनेंस ठीक है बहुत ही जरूरी है ये ताकि आपकी अपनी फाइनेंशियल चॉइस क्या है बहुत ही अच्छी कर सको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी ये हमने सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ा है और मीनिंग के अंदर आपको ये चार पॉइंट लिखने हैं क्योंकि इन्हीं से क्या है इनको अगर आपको समझना है तो तभी तो इंटरनेशनल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस है ठीक है और ये कंक्लूजन लिख देना है तो आज की वीडियो इतनी थी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू